खागा उपजिलाधिकारी और खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी ने नाविकों को बांटी सुरक्षा जैकेट, डॉक्टर टीम तैनात। यमुना जी का जल स्तर लगभग 3 मीटर घटा। फतेहपुर जनपद के थाना किशनपुर क्षेत्र में यमुना जी का जलस्तर लगभग 3 मीटर घटने के बावजूद अभी भी बाढ़ में कई गांव प्रभावित हैं। अभी कुछ दिनों पहले हुई एक नाव दुर्घटना को देखते हुए खागा उपजिलाधिकारी मनीष कुमार और खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय कुमार सिंह ने 8 नाव चालकों को लाइफ जैकेट और 3 सेफ्टी ट्यूब नाविकों को सुरक्षित रहने के लिए वितरित किए। आपको लोगों को बताते चले, यमुना नदी में आई बाढ़ के बाद लोगों के आवागमन के लिए शासन द्वारा नौका संचालन करवाया जा रहा है, जिसके बचाव के लिए नाविकों को सेफ्टी ट्यूब लाइफ जैकेट देते हुए सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। आप लोग को बता दें, यमुना जी का जलस्तर लगभग 3 मीटर घटे एरिया में दवा का छिड़काव और डॉक्टर टीमों को लगा दिया गया है। आइए सुने क्या कहा खागा जिलाधिकारी मनीष कुमार जी ने। यमुना जी का जल स्तर की क्या पोजीशन है? जो अधिकतर सूचना है हमारे पास, इसमें यमुना का जो जल स्तर है करीब खतरे के हिसाब से 2.5 मीटर नीचे है जी। तो जो भी जहाँ पर भी जो बाढ़ग्रस्त इलाका था लगभग वहाँ से पानी हट गया है, और बाढ़ के बाद जो थोड़ा सा छिड़काव होता है बीमारियों के लिए, उसके लिए टीम जो बना दी गई है DPRO के माध्यम से, लगातार हम लोग DDT वगैरह का छिड़काव करवा रहे हैं। मेडिकल टीम इस समय बहुत भरमसी है, लगातार निगरानी में है। ये जैसे नाव पे लोग बैठते हैं तो उनके लिए जो है क्या व्यवस्था है? क्योंकि आपदा के समय जो होता है ना, तो बाढ़ का पानी आता है, नावों का प्रयोग करते हैं शासन स्तर पर, तो इस बार आपदा की तरफ से जो भी नावें जिनकी हमने नावें इस्तेमाल करी हैं तो उनको आपदा के समय जैकेट प्रोवाइड कराई गई है और ट्यूब्स प्रोवाइड कराए गए हैं, रस्सी वगैरह प्रोवाइड कराई गई है, ताकि किसी प्रकार की अगर समस्या या कोई मतलब विभाग की घटना होती है तो तत्काल रेस्क्यू कराया जा सके। जैसा कि जल स्तर घटता है तो वहाँ कुछ बीमारियाँ जो है फैलती हैं, तो इस बात को लेकर क्या व्यवस्था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए पत्राचार हो चुका है, और हमारे तहसील में जिस जिस क्षेत्र में बाढ़ों का पानी आया था वहाँ पर लगातार टीमें हमारी भ्रमणशील हैं, सुबह से ही भ्रमणशील हो जाती हैं, लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, और पंचायत के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से हम लोग DDT का छिड़काव करवा रहे हैं, और मेडिकल टीम हमारी जगह जगह पर जा रही है, वहीं पर लोगों का टेस्ट कर रही है, ताकि किसी प्रकार की बीमारी हो तत्काल हम, अगर कोई पैटर्न हमको बीमारी में दिखता है तत्काल उसको हम लोग रोक सकते। अभी तक कोई ऐसा मरीज मिला नहीं? विशेषकर इस समय वायरल का ज़्यादा सीजन चल रहा है, तो जो असहट गांव है, दुर्बल है, इधर पर कुछ मरीज हमें वायरल के मिले हैं, तो उधर पर हमारी टीम गई है, उनको दवा दी गई है, तो उसका असर दिख रहा है, उसको बीमारी में फीवर है, लेकिन कुछ ऐसी जैसी सूचना हमको मिल रही है कि थोड़ा सा फीवर ज़्यादा है, तो लगातार हमारी टीम है, आज भी जाँच के सैंपल लिए गए, कल भी लिए गए, अगर कोई वहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है कोई बीमारी को, तत्काल उसका निस्तारण कराने का प्रयास करें। आपका शुक्रिया।